आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आपने अपने इस हाथ को लेना है और इसको इस तरह टेबल पे टैप करना है, और आपने अपने दूसरे हाथ को लेना है और इसको इस वाले हाथ से डबल स्पीड पे टैप करना है। मतलब अब जरा ये वीडियो पॉज करें आप थोड़ी देर के लिए और करके बताएं कि आपसे ये हुआ, हो पाया, ट्राई किया। अगर तो आपसे हो गया तो फिर आप चैंपियन बनने, पहले मैं आपको बता दूं, आप सुपर हीरो हैं, आप सुपरमैन हैं, आप बैटमैन सब हैं आप। बट अगर तो आपसे ये नहीं हुआ तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि अगले 3 से 4 मिनट बाद आप ये आराम से कर रहे होंगे, आराम से। क्या हाल है ब्रो? अगर एक इंसान को कूल बनना हो, यू नो कूल, तो उसको क्या करना चाहिए? उसमें मुश्किल क्या, बस एक काम करें, मुझे रख लें। एक तो थोड़ा आहिस्ता बोला करें और दूसरी चीज सर को हिलाना कम करें या बंद कर दें। जब मैं ए लेवल्स में था तो मुझे कूल बॉय बनने का बहुत शौक चढ़ा, तो मैंने सोचा कि यार पियानो सीख लेते हैं, कूल बन जाएंगे। लेकिन पहले कौन सा गाना सीखूं? अगर तो वाकई कूल बॉय बनना है तो 2 शर्तें, नंबर 1 गाना इंग्लिश होना चाहिए, नंबर 2 गाना फेमस होना चाहिए, और नंबर 3 गाना आपके भाई को पसंद होना चाहिए। और मेरे जहन में इस तरह का एक ही गाना है, माई फेवरेटिस्ट सॉन्ग इन द होल वाइड वर्ल्ड, द साइंटिस्ट बाय कोल्ड प्ले। अब द साइंटिस्ट बाय कोल्ड प्ले का जो पियानो में रिदम है वो कुछ इस तरह का है, टिंग डिंग 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 डिंग, काफी सिंपल है, टिंग डिंग 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 डिंग, बहुत सिंपल है। डिंग डिंग लेकिन इतना सिंपल रिदम पकड़ने में भी मुझे मौत आ रही थी। कॉन्सेंट्रेट करो यार नवीद, मतलब एक हाथ को चलाना है डबल स्पीड पे, एक हाथ को चलाना है सिंगल स्पीड पे, कोशिश कर कोशिश। इतना मुश्किल यार, इतना मुश्किल, व्हाट इज लाइफ? मतलब एक हाथ पे कॉन्सेंट्रेट करो तो दूसरा हाथ पेशावर निकल जाता है, कैसे कैसे है? दोनों हाथों को अलग अलग एक साथ कैसे चलाऊं? अजीब दिमाग खराब हो रहा है यार, अगर सिर्फ एक गोल होता तो कितना आसान होता यार। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्ले वन हैंड ऑन डबल स्पीड एंड द अदर वन ऑन सिंगल, थिंक ऑफ इट दिस वे, एक बारी में तुमने दोनों हाथों को प्ले करना है और एक बारी में तुमने सिर्फ एक हाथ को प्ले करना है। अपने दिमाग को दो अलग अलग चीजें करने के बजाय एक वक्त में सिर्फ एक चीज करने दो। अब जो मैंने आपको चैलेंज बताया था उसको इस तरह ट्राई करें, पहली बारी में अपने दोनों हाथों को लें और एक साथ टैप करें, और उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को अलग से टैप करें, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Try again. What is life? What is this life? What is this life? You tell me. इस चैलेंज से मैंने ये सीखा कि भाई अगर आपको जिंदगी में फोकस 4 से 5 चीजों पे होगा ना तो काम खराब होगा। टू अचीव अ गोल सक्सेसफुली एवरी थिंग हैज टू बिकम 1 द गोल, जहाज 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 जहाज। टू अचीव अ गोल सक्सेसफुली एवरीथिंग हैज टू बिकम 1, फोकस और गोल सिर्फ एक होना चाहिए। और ये चीज, ये थॉट, ये ख्याल जिंदगी के हर एरिया में आता है। मतलब अगर एक मुल्क को भी सक्सेसफुल होना है तो उसकी कौम को एक मकसद के साथ एक होना पड़ेगा। और ये मैं कोई डीप इमोशनल बात नहीं कर रहा कि हमें एक होना पड़ेगा, ये वो डीप इमोशनल बात नहीं है, ये कुछ और है। क्या है? आए बिरयानी खाते खाते बात करते हैं। ये साइंस है, कुदरत का निजाम है।
किसी भी सिस्टम को कामयाब करने के लिए उस सिस्टम के पार्टिसिपेंट्स को एक होना पड़ेगा, वरना वो सिस्टम अच्छी तरह नहीं चलेगा। हमारी टीम में जब मजबूरन 11 में से 10 बंदे अपनी टीम में जगह पक्की करने के लिए खेलेंगे तो काम हो गया, जानी काम हो गया। जब तक सिर्फ और सिर्फ एक मकसद नहीं होगा, तब तक हमारी टीम का कुछ भी होना मुश्किल है। सोचे अगर गाड़ी का एक पहिया दूसरे पहिये से लड़ रहा हो तो नहीं मैं ज़्यादा तेज चलूँगा। सबका एक ही रिदम में चलना बहुत ज़रूरी है। और सोचो अगर बिरयानी में हल्दी बिरयानी बनने के बाद ऊपर से डालते तो कितना ही कोई ऑफ सीन होता। एक कमाल बिरयानी तो तभी बनती है जब सारी इंग्रेडिएंट्स परफेक्टली यूनाइट हो जाए। और वीडियोस, जब तक लाइट, साउंड, कैमरा, फ्रेम, कुर्सी सब के सब सही तरह एक मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट नहीं हो जाते, तब तक मैं आपसे बैठ के फीलिंग के साथ बात नहीं कर सकता। सबको एक होना है भाई, तो ही कुछ होगा। अगर तो आपने दुनिया को बोलना है कि आई वन, देन यू हैव टू बिकम वन।